वेल मैं राहुल प्ले कर रहा हूँ, आई एम द सेकंड लीड. तो मैं जर्मनी बेस्ड ही हूँ और मैं एक टूर गाइड हूँ जो इनके फ्रेंड हैं और ये इनसे बात करते हैं और ये मेरे से मिलने आते हैं. और कैसे मैं इस्टेब्लिश करता हूँ उनको जर्मनी में, कैसे उनके हर चीज़ में हेल्प करता हूँ और कैसा हमारा एक ये लव ट्राइंगल स्टार्ट होता है, तो इसी पे बेस्ड है पूरी मूवी. और क्या होता है उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी. प्रिपेयर है सच कुछ खास हमने नहीं किया, बिकॉज ये जो कैरेक्टर है, जो बल्ली का कैरेक्टर मैंने प्ले किया फिल्म में, ये मुझे मेरे जैसे ही लगता है. फनी, जॉली, मतलब हमेशा बिना बात के बस कुछ है, अंदर है नहीं कुछ करने का दम, लेकिन फिर भी कर देगा. इतना उसका कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि हाँ, राजा ने अगर ये बोला है तो वो मेरा भाई है, उसके मॉम डैड मेरे मॉम डैड है, ही इज़ लाइक अ फैमिली टू राजा. सो प्रिपरेशन वॉज लाइक, हम जब भी मिलते थे वर्कशॉप के लिए, हम लिटरली आपस में नॉर्मल ऐसे बातें करते थे, करते करते हमारी पूरी स्क्रिप्ट निकल जाती थी. और लिटरली इतना अच्छा निकल के आया, जो भी हम लोगों ने अपनी मेहनत से इतनी बहुत टाइम, 3 महीने हमने लिटरली 2 महीने जर्मनी में और 1 महीना पंजाब में हमने शूट किया, तो बहुत अच्छी फिल्म बनी है. आप सब ज़रूर देखने जाना, एंड ट्रस्ट मी, आई फील ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस. लघुविंदर जी से जब मैं पहली बार मिला था तो वो मेरे को बहुत ओपन लगे थे, जो भी उनको बोलना था वो सीधा बोल देते थे और एकदम वो बड़े भाई वाली फीलिंग आती है उनसे, कि कुछ भी कहना उनको वो एकदम डायरेक्ट फेस पे बोल देंगे. एग्जैक्टली, उनको कोई, उनके अंदर कुछ रहता नहीं है. उनको अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी तो वो मुंह पर बोल देंगे. तो ये अच्छा था, एक पॉजिटिव अपने नेगेटिव पॉइंट हर चीज़ पता चल जाती थी, और जिस चीज़ में हम लैग करते थे उस पर हम वर्क करने का हमें एक टाइम मिल जाता था. तो प्रेशर नहीं था, ऐसे ऊपर कोई हमारा प्रेशर नहीं था. लोगों को हंसाना काफी मुश्किल होता है, इमोशनल करना भी मुश्किल होता है, लेकिन हंसाना उससे ज्यादा मुश्किल होता है. ऑब्वियसली कितना मुश्किल लगा ये सब. मैं आपको अभी मैंने बताया, जैसे कि मुझे कोई इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी बाय गॉड ग्रेस. बल्ली इज लाइक हैरी ओनली, बल्ली इज इक्वल टू हैरी वर्मा. सो इतना फनी माहौल हो गया था, जैसे वैष्णवी है, अभिषेक है, हम सब, रॉबिन है, हम सब इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए आपस में कि हमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. सबको अपने डायलॉग्स याद होते थे, बात करते थे, तो ऑटोमेटिकली इतनी अच्छी टाइमिंग बनती थी कि हम उन कैरेक्टर्स पे जोक नहीं मारते थे, हम अपने आप पे ही जोक मारते थे. सो इट वॉज लाइक वंडरफुल, यू नो, सटायर्स भी हैं कुछ एक बीच में, कॉमिक टाइमिंग जो है. आप नए स्टार्स के साथ काम करते हो तो आपको सामने वाले का एक बार ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ यार, ही इज़ लाइक बिग स्टार, एंड पता नहीं वो सामने से क्या रिस्पॉन्स कर दे. लेकिन आपस में हमारा इतना अच्छा सबका बॉन्ड हो गया था कि हमें सोचना नहीं पड़ रहा था कि हाँ यार, चलो अगर ये मैं अगर इम्प्रोवाइज भी कर रहा हूँ, जैसा अभिषेक ने बताया पहले कि शाबलाबा जी ने कभी हमें बाउंड नहीं रखा कि आपको जो स्क्रिप्ट दिया उसके साथ ही कर रहे हैं, तो हमारा जो इम्प्रोवाइजेशन होती थी हम करते थे, एंड इट रियली बिकम वंडरफुल, वंडरफुल फिल्म. यू वेलकम. हेलो, मेरा नाम रॉबिन सोही है और इस फिल्म में मैं राजा का कैरेक्टर निभा रहा हूँ. और राजा का कैरेक्टर बेसिकली ये एक बिगड़े हुए बाप की औलाद है, देसी जाट है, और इसे मतलब अपनी लाइफ में कुछ काम नहीं है, कुछ अपनी लाइफ में कोई एम नहीं है इसका, कुछ भी नहीं करना है इसको. इसको एक इसके गांव के एक चाचा होता है बंटू शराबी, इसको वो ईगो हर्ट कर देता है कि तू कभी लाइफ में अब्रोडिया नहीं बन सकता. और राजा कहता है राजा जब चाहे कुछ भी कर सकता है, और कोई अब्रोडिया कुछ राजा नहीं बन सकता. तो वो ठान लेता है कि मैं अब्रॉड जाऊँगा, लेकिन वो 5वीं फेल है. अब वो अब्रॉड क्या कहीं भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें आप वीज़ा कहीं उसके लिए कोई अप्लाई नहीं कर सकता. तो वो एक फेक शादी करता है लड़की के साथ, जो प्रीति है, हमारे इसमें वैष्णवी पटवर्धन निभा रही है. तो वो फेक शादी करके जर्मनी जाता है, उसके साथ बहुत सारे फ़नी इंसिडेंट होते हैं. तो बेसिकली ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, और उसकी जर्नी में उसको क्या अच्छा क्या बुरा होता है वो आपको फिल्म देख के ही पता चलेगा. बेसिकली जब मैं फर्स्ट टाइम ऑडिशन करने गया था इस फिल्म के लिए, इस कैरेक्टर के लिए, तो मैंने अपना नेचुरल दिया था, और उनको जो मेरा नेचुरल था वही उनको चाहिए था, जो जैसा कैरेक्टर था वही सेम चीज़ चाहिए थी. तो लखविंदर शामला के सर के तरफ से मतलब उन्होंने कोई स्ट्रिक्ट लाइन की तरह नहीं कहा कि आप ये लाइन है तो इसी तरह बोला, आप अपने तरीके से इसको इम्प्रोवाइज़ करके अच्छे से बोलिए. तो वो चीज़ बहुत मदद आई, और उसके कारण हमें जो हमारे एक फेक कॉमेडी नहीं क्रैक हुई, वो एक्चुअली हुई है. तो जो डायरेक्ट कर रही थी हमारे सर ने, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया था. तो मतलब मेरी लाइफ में मतलब बहुत अच्छा था देखा जाए तो. मतलब जो भी आदमी इसको देखेगा वो खूब हंसेगा, सबसे पहले ये कहूँगा मैं, खुश होके घर जाएगा. आज जो है फिल्म का पोस्टर लॉन्च हो चुका है, गाना भी लॉन्च हो चुका है, तो क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहा है आपको पोस्टर लगाने के लिए?
अभी तक जिस जिसने ये देखा है उन्होंने सभी ने यही बोला कि हमें बहुत अच्छी लगी। तो मैंने अभी 10 बार देख ली है और 10 बार देखने के बाद भी मुझे लगा कि अच्छी पिक्चर है। ओके, एक खास जर्नी रही है आपकी, मतलब संघर्ष किया है आपने और उसके बाद ये मकाम हासिल किया जी, और अपने ही जीवन में पूरी फिल्म बनाना है ये अपने में बहुत चैलेंजिंग रहा, और कैसे आपके जहन में आया यू वांट टू मेक अ फिल्म ऑन योर लुक सेंटर सर? मैं जब से मैंने होश संभाली ना 3-4 साल का था तब से मैं गाने गाता था। जब पहली फिल्म देखी तब मुझे जुनून हो गया था कि बस फिल्म और म्यूज़िक ही सब कुछ है ज़िंदगी में, तो मुझे तो यही था कि यही काम करना है। मतलब घर वाले जो है बच्चा था तो उन्होंने कहा चल भाई ये तो बहुत ख़राब लड़का है। उस वक्त शायद यही था कि सभी के माँ बाप शायद ऐसे होंगे कि भाई फिल्में म्यूज़िक ये सब बकवास बातें हैं, इन पर ध्यान ही पढ़ने लिखने में ध्यान दो। मगर उन्हें मुझे निकाल ही दिया तो फिर मैं क्या करता। मगर मैं भूला नहीं कि यार मैं इंडिया से हूँ और जब भी मेरे को मौका मिला तो मैंने इधर मैं आया फिल्म बनाने के लिए, संघर्ष किया तो लोग मिले वो कहते अच्छा जी बाहर से आया इसकी फिल्म तो बन गई। तो फिर मैं वापस गया, फिर मैंने फिल्म मेकिंग डिप्लोमा जर्मनी में किया, फिर दोबारा आया ताकि कोई मुझे टोपी ना घुमा सके। राजा बाबू की कहीं याद दिलाती है कि झलक लगती है जिस तरह का? हाँ दिलाती है क्योंकि ध्यान में रखा है राजा बाबू? नहीं नहीं वो ध्यान में नहीं रखा, मगर जब लिखना शुरू की स्टोरी के कैसे बनाएं तो वो ऑटोमेटिक बाद में लिखने के बाद बाद महसूस हुआ कि यार कुछ कुछ वैसी लगती है, तो वो अचानक बनी है, मैंने उसको ध्यान में रख के नहीं बनाई। यहाँ से कास्टिंग डायरेक्टर लिए, 1, 2, 3, 4 पता नहीं कितने लोगों के पास में गया, क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं था और जिसके पास भी जाता था वो यही कहता चलो यार इससे पैसे ले लो काम काम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरे के पास गया उसने भी पैसे ले लिए, तीसरे के पास गया उसने भी पैसे लिए काम नहीं किया, चलो आहिस्ता आहिस्ता हो गया वैसे जैसे भी हुआ। एक बहुत ही सिंपल इनोसेंट लड़की का है जो अपने दम पर अपने बलबूते पर कुछ बनना चाहती है, सो इट्स अ वेरी फॉर मी इट्स अ वेरी क्लोज कैरेक्टर, आई मीन आई एम लाइक दैट, सो इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड इसकी पूरी जर्नी जहाँ ये पंजाब में राजा से मिलती है, उसके बाद की पूरी जर्नी और कैसे वो लोग जर्मनी में साथ में होते हैं, यही इसी पूरी स्टोरी पे ये कहानी मतलब फिल्म बेस्ड है। एंड उसके लिए प्रेपरेशन भी काफ़ी करना पड़ा, सो या worth it। कितना मुश्किल होता है इंडस्ट्री में आना, और जैसे आपको पता है कि इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा नेपोटिज्म है, तो कितना मुश्किल हुआ आपके लिए जाना? एक्चुअली मुझे लगता है जब टैलेंट हो, जब आप ऑडिशंस में जाते हो, जब लोग आपका टैलेंट देखते हैं तो उतना डिजर्व करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं से वो चीज़ मिल ही जाती है। तो आई वुड से यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू नीड टू वर्क हार्ड एंड आई थिंक दैट्स इनफ टू गेट इन टू इट एनी प्रोफेशन यू चूज। इसके बाद ऐसा कोई जॉनर है जिसमें आप मैं एक्चुअली हर जॉनरा को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, हर टाइप की फिल्म करना चाहती हूँ, चाहे वो कॉमेडी हो, रोम कॉम हो, हॉरर हो, सीरियस हो, ड्रामा, एनीथिंग। एंड मुझे काफ़ी लैंग्वेजेस भी एक्सप्लोर करनी है, जैसे मैं महाराष्ट्रियन हूँ तो मैं मराठी फिल्म्स भी करना चाहती हूँ, हिंदी में भी एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, तो इट्स नेवर एंडिंग। डायरेक्टर की तरफ से क्या ब्रीफ था इस फिल्म को लेकर और कैसे प्रिपेयर किया उन्होंने? लकी सर ने हमें बहुत अच्छे से फर्स्ट डे से बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी है, बहुत अच्छे से हमारे कैरेक्टर्स को समझाया है। राइट फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग, मैं जब उनसे फर्स्ट टाइम स्टोरी सुनने के लिए गई थी, तब से उन्होंने प्रीति पे मुझ पे बहुत भरोसा दिखाया कि मैं प्रीति कर सकती हूँ। और प्रीति का कैरेक्टर ही बहुत स्वीट सिंपल था, पर साथ ही साथ बहुत मुश्किल भी था। लकी सर ने बहुत एग्जैक्ट प्रीति कैसी है, घर पे क्या करती है, लोगों से कैसे बर्ताव करती है, उसके टैलेंट्स क्या है, वो सोचती कैसे है, सब कुछ मुझे पहली मीटिंग से ही बताना स्टार्ट कर दिया था। और जब तक हमारी शूटिंग ख़त्म नहीं हुई तब तक मुझे बता ही रहे थे कि ये और ऐड कर सकते हो, थोड़ा और कर सकते हो, तो इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू।